हेलो एंड वेलकम ऑन जोन टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म सो फ्रेंड्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी मई के अंदर आपका एग्जाम प्रोपोज है और हम यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएँ विद रेफरेंस टू टेक एंड नॉन टेक एज वेल और नॉन टेक के अंदर हम बात करेंगे फोर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जैसा प्रीवियस पेपर वन और पेपर टू के अंदर हमने डिस्कशन किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कवर अप करते हैं आपके राजस्थान हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी और डिफरेंट सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब है ये जो मॉड्यूल है टेंथ पेपर्स होंगे 400 हंड्रेड क्वेश्चन का मॉड्यूल है जो आपको वीकली टैग uh, के साथ ही आपको प्रोवाइड होते रहेंगे और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो आपके सिलेबस को कवर करें मेरा पूरा एफर्ट है कि आपके मैक्सिमम सिलेबस पोर्शन को कवर करें और साथ ही एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका डी का सिलेबस है उसके अंदर हमने जो क्लासेस के अंदर पढ़ा और साथ ही जो ऑनलाइन जोनटेक के यूट्यूब चैनल के अंदर भी जो मेरे सेशंस हैं लेक्चर्स हैं उसको आप फॉलो कीजिएगा जिसके अंदर हमने सेटेलाइट साइंस टेक्नोलॉजी की बात की साथ ही जो डिफरेंट राजस्थान का जो पोर्शन है उसकी भी हमने डिस्कस की ऑनलाइन सेशंस के अंदर इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात की इंडियन जोग्राफी के बारे में बात की ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं उसको भी आप रिवाइज कीजिएगा ऑनलाइन के अंदर सो फ्रेंड्स लेट स्टार्ट आवर सेशन ये आपका सेशन है आंसर फुल लेंथ पेपर है थ्री जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं विच ऑर फॉलोइंग पेर इज नॉट करेक्ट एंशेंट जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एंशियट जोन की बात की गई है और मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट इसमें से कौन सा मिसमैच है वो आपको जानकारी लेनी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर प्राचीन नाम है एंशियन हिस्टोरिकल नेम है और यहाँ पर जो भी मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बात हो रही है ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इट्स रेफर्स टू राजस्थान ज्योग्राफिकल सेक्शन और हिस्टोरिकल सेक्शन एज वेल यानी आप जब भी राजस्थान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते हैं स्पेशली ज्योग्राफी का चैप्टर तो उस ज्योग्राफी के चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है एक्सपानशन ऑफ राजस्थान के अंदर तो वहां पे आपको ये फर्स्ट हाँ, सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे ये नाम जो पुराने राजस्थान के ज्योग्राफिकल यूनिट है उसके नाम और भी मॉडर्न जो डिस्ट्रिक्ट है वो उनके बारे में आपको जानकारी वहां मिलती है तो यहाँ पे हम बात करें चार ऑप्शन है मत्स्य देश जांगल प्रदेश शिवी और अबुर्दी चार हैं और चार डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है इनमें से कौन सा मिसमैच है वो आपको जानकारी इसके अंदर देनी है तो देखिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मत्स्य तो आप जानते हैं अलवर और भरतपुर हमने राजस्थान के इंटरग्रेशन के अंदर भी पढ़ा था फेस वन सेकेंड है जांगल ये बीकानेर वाला एरिया होता है बीकानेर नागौर वाला क्षेत्र शिवी आप जानते हैं चित्तौड़ इसमें मिस है ऑप्शन नंबर डी अबूर्द प्रदेश और ये आपका होता है सिरोही वाला एरिया जो सिरोही वाला है वो यहाँ का मिसमैच या इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सो फ्रेंड्स राजस्थान इज लैंड ऑफ राजपूताना लैंड ऑफ महाराजा लैंड ऑफ किंग्स इट्स फॉर्मली नॉन ऑफ लैंड ऑफ महाराजा इट इज लोकेटेड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया सॉरी नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान दिस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल यूनिट नॉन एज डिफरेंट टाइप ऑफ नैम इन दैट पर्टिकुलर एरिया इट वॉज अबाउट महाभारत कालीन जनपदास अगर आपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ा हो तो वहाँ पे अलग अलग नाम थे उस क्षेत्र के अंदर और अभी का हम बात करते हैं अभी जिलों की बात करते हैं तो उसका नाम अब चेंज हो गया है जैसे बीकानेर बीकानेर को पहले जंगल प्रदेश शीवी चित्तौड़ जैसे आपने पढ़ा होगा योद्धे जो हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है नाली प्रदेश हनुमानगढ़ और भी नाम है जैसे शूरसेन आपका जो करोली भरतपुर वाला एरिया है साथ में आप देख सकते हैं मेरवाड़ा वाला एरिया जो अजमेर राजसमन वाला क्षेत्र है वागड़ उसके बाद कांठल ये बहुत बेसिक चीजें जो आप जानते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा हम इसके अंदर मैप के अंदर देखते हैं जहां पर आप इस इमेज में समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया है ये वाला क्षेत्र आपका कहलाता है योद्धे और यहाँ ऐसा माना जाता है कि इन योद्धे ने कनिष्क की जो शक्ति थी कनिष्क किंग उसकी शक्ति को यहाँ पे क्रश किया था जिसे यहाँ पे जंगल प्रदेश जैसे हमने डिस्कशन किया बीकानेर नागौर वाला क्षेत्र ये यह छत्रपुर यहाँ पे आ गया आपका मारवाड़ वाला एरिया ये मेरवाड़ा जो अजमेर राजसमंद वाला क्षेत्र है खेराड़ का एरिया उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे चंद्रावती सिरोही वाला क्षेत्र ये मांड आपका आ गया जैसलमेर का एरिया ऐसे बहुत सारे आपको नाम इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं हाड़ुती का एरिया तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए ये फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का जहां पर आप इन चीजों को समझ के आगे बढ़ते नेक्स्ट चैप्टर के अंदर तो हम यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर के बाद क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर काल्ट मरु डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कितने ज़िलों को मरु डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है मरु जिला बोला जाता है देखिए आजकल कुछ ट्रेंड हो गया है बोर्ड का और, और आरपीएससी का बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन जो डिजिट के अंदर होते हैं फिगर के में होते हैं उसको पूछते हैं और आपको इतने फैक्ट और डेटा आपको याद भी रखने पड़ेंगे और स्पेशली जब आपका डीएलबी के अंदर यूनिट है आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स की वहां पे आपको डेटा ही डेटा याद रखते हैं वहाँ बहुत सारे डेटाज हैं पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो कौन से दिन को लॉन्च हुआ उस प्रोग्राम का या उस स्कीम का लोगो क्या है या उसका स्लोगन क्या है कितने इसके अंदर फंड जनरेट किया गया है कितनी लाइबिलिटीज है कितना रेशियो है तो ये जो फिगर्स और डेटा वाले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे इसी रेफरेंस में आप बोला गया है कि कितने डिस्ट्रिक्ट को मरु डिस्ट्रिक्स कहा जाता है मरू जिले कहा जाता है यहाँ पर फिगर है ट्वेल्थ थर्टीन फोरटीन और फिफ्टीन तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ट्वेल्थ ये राइट आंसर होगा जैसे आप देखेंगे राजस्थान के इस मैप के अंदर तो बिल्कुल जो वेस्टर्न वाले जो ट्वेल्व डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर एरिड रीजन का क्लाइमेटिक डिविजन मिलता है वो वाले ट्वेल्व डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके इसके अंदर काउंट होंगे मरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर समझाने को बहुत सारी चीजें मैं चाहता हूँ समझाना बट इसमें टाइम ज्यादा हो जाएगा और आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ रिविजन का टाइम है तो मैं भी यहाँ तक समझता हूँ कि आपने इसको अच्छे से थॉरली पढ़ा होगा इसलिए हम आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवर्स और त्रिवेणी संगम्स के बारे में यह आपके राजस्थान जोग्राफी के जो रिवर सिस्टम है और उससे लिया गया क्वेश्चन है यहाँ पर त्रिवेणी संगम की बात हो रही है और रिवर्स की बात हो रही है इसको मैच करना है बिंगोद राजमहल रामेश्वर घाट और बेणेश्वर इसको आपको मैच करना है किसका कौन के साथ लिंक है कौन सा करेक्ट आंसर किस तरीके से मैच होगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो ऑप्शन सही है आपका बनास बेड़च मेनाल भिलवाड़ा वाला एरिया राजमहल का ये ऑप्शन सही है बनास डाई खारी रामेश्वर बनास चंबल सिप और सोमाही जाखम इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सी वन टू थ्री फोर ये जो बेसिकली जो रिवर्स हैं उसके अंदर आपको चंबल माही इसके बारे में ज्यादा पढ़ना और साथ में जो इनलैंड रिवर्स हैं अभी रिसेंटली जैसे अभी आपके डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए नए डिस्ट्रिक्ट बने उसके साथ थोड़ा सा इसके अंदर डेटा जरूर चेंज होगा वो बात की बात है इसको जब वो इंप्लीमेंट करते हैं उसके बाद थोड़ा सा जीके यहाँ पर ट्विस्ट हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच कॉज रेन मावट इन राजस्थान इन विंटर वॉट इज रीजन ऑफ ऑरिजन ऑफ इंडियन ओशियन अरेबियन गल्फ एटलांटिक ओशियन मेडिटेरियन सी हिंदी में बात करते हैं पश्चिम विक्षोभ जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा मावट होती है इसकी उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है इसका ओरिजिन का रीजन कौन सा है राइट right आंसर इसका क्या होगा यहाँ पे चार ऑप्शन है हिंद महासागर अरब की खाड़ी भूमध्य सागर तो बेसिकली मावट और मावट से हम सब जानते हैं वी ऑलरेडी नो अबाउट मावट इन विंटर द द साइक्लोन्स साइक्लोन्स ड्यू टू ऑफ ऑफ मेडिटेरियन सी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट राजस्थान रिसीव रेनफॉल आप देखते हैं सर्दियों के दिनों के अंदर जो भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात हैं उसके थ्रू से राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर आपको रेनफॉल बारिश होती है जिसे मावट कहा जाता है तो आपको जरूर याद रखना जैसे यहाँ पर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे हमारा ये कोस्टल एरिया है और यहाँ पे हमारा जैसे राजस्थान वाला एरिया है तो यहाँ का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर जो एटलांटिक मेडिटेरियन सी है उस मेडिटेरियन सी से साइक्लोन से जो यहाँ पर रेनफॉल होती है इस रेनफॉल को कहा जाता है मावट इन विंटर ड्यू टू साइक्लोन ऑफ मेडिटेरियन सी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान रिसीव रेनफॉल नॉन एस मावट इट्स कॉमन और जनरली वी कैन से दैट विंटर रेन या इसे कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप गोल्डन ड्रॉप्स वाई इज इट सेट गोल्डन ड्रॉप बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप जो रबी फसल है उसकी हार्वेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए बेनिफिशियल है दैट्स वाई रिकॉर्ड गोल्डन ड्रॉप्स ये हो गया आपका नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द मेजर कैटल फेयर एंड द प्लेस रिलेटेड टू देखिए जो फेयर एंड फेस्टिवल है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का आपका सेक्शन है आप जरूर याद कीजिएगा क्वेश्चन आपको मिलेगा फेयर एंड फेस्टिवल का कहीं ना कहीं पिछले वाली सीरीज के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पिकअप किया है और यहाँ भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कैटल फेयर के अंदर कैटल फेयर के अंदर यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एग्जामिनर है वो कैटल फेयर की तिथियों को नहीं पूछता है कौन सी त्रयोदशी है भाद्रपद है बहुत बहुत मिनिमम या आप देख सकते हैं बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर अगर वो पेपर टफ बनाना चाहता है तो वो चूज करेगा इधर डायरेक्ट आपको जो प्लेसेज हैं उसके डिस्ट्रिक्ट है और जो कैटल फेयर हो रहे हैं उसको मैच करने के लिए पूछा जाता है नहीं तो इसके अंदर तो क्या एक पर्टिकुलर एक मेला है वो दस दिन चलता है कोई बारह दिन चलता है कोई पांच दिन तो वहां से उस तिथि तक याद रखना बड़ा मुश्किल होता है वो क्रिटिकल होता है तो पर्टिकुलर आप एक लोकेशन जरूर याद रखिएगा कि जहां भी फेयर हो रहे हैं और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट है या उसकी लोकेशन है वो आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे पूछा गया चंद्रभागा पशु मेला ये राइट आंसर है झालावाड़ के अंदर सारणेश्वर पशु मेला तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर जसवंत पशु मेला भरतपुर ये जो सारणेश्वर पशु मेला है ये यहाँ पर है इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर बी बिकॉज ये जो कैटल फेयर है वो आपके होता है सिरोही के अंदर सारणेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन सिरोही इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इट इज कुल देवता ऑफ इट इज कुल देवता ऑफ क्लान ऑफ चौहान्स देवड़ा चौहान्स यानी जो सारणेश्वर टेम्पल है वो सिरोही के अंदर है दैट्स वाई सीधा ऑप्शन ही आपको देखने को समझ में आ गया कि नागौर तो हो नहीं सकता तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सारणेश्वर जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है परमारों के समय में बना हुआ है और जो देवड़ा शाखा है चौहानों की उसके कुल देवता माने जाते हैं और ये कैटल फेयर यहीं लगता है सारणेश्वर कैटल फेयर सिरोही नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान खस खज्रास इज क्रॉन राजस्थान के किस जिले के अंदर खस कास का उत्पादन होता है या होती है अजमेर बांसवाड़ा चित्तौड़ धौलपुर करौली, अलवर सवाई माधोपुर, भरतपुर टोंक कोटा बूंदी झालावाड बताएं इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा ट्राई कीजिए साथ में पार्टिसिपेट करोगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा एक तरीके से आप पॉजिटिवली इसको ले पाओगे देखिए इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर जो सी समझ में आ रहा है वो राइट आंसर है अगर जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी समझा है तो दैट इज राइट आंसर सवाई माधोपुर भरतपुर एंड टोक इट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो खस ग्रास है इट इज अ डेंस ट्रफ्टेड ग्रास विथ रिजिट लिवस ये जो एक तरीके से डेंस ग्रास आती है ट्रफ्टेड आती है और जो मार्शी सॉइल है ये मार्शी सॉइल के अंदर ये एक तरीके से ग्रो करती है ये आपके सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक इत्र बनता है और बेटीवेरिया वेरिया जी, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके ज्योग्राफी का जो रिवर प्रोजेक्ट है वहां से लिया गया है और यहाँ पर रिवर प्रोजेक्ट के साथ साथ उनके जो हैं वहाँ पे बात की गई जब भी आप रिवर प्रोजेक्ट पढ़ें थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा जब भी आप रिवर प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं कोई भी रिवर प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको रिवर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है इसका अगर ऑरिजिन आपको पता है तो आप थोड़ा बहुत सही कर पाओगे क्योंकि इसकी लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी ये कहाँ से फ्लो हो रही है इसका ड्रेनेज पैटर्न कहाँ पे नंबर वन दूसरा आप रिवर के साथ बात कर रहे हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो डैम्स हैं उसके बारे में भी जानकारी रखिएगा और साथ में जो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी इसकी जो सहायक नदी हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए जब जाके आप पूरा रिवर सिस्टम समझ पाओगे और फिर वहाँ से जाके आप इस रिवर प्रोजेक्ट जो नदी परियोजना है वहाँ तक आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे यहाँ पे बात की गई है चंबल परियोजना नर्मदा परियोजना माही बजाज सागर परियोजना और प्यास परियोजना चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा ये ऑप्शन है और इसको आपको राइट करना है कौन सा सही आंसर होगा देखिए हमेशा आप क्वेश्चन सही तरीके से यहाँ पर सही की बात हो रही है कौन सा सही सम्मिलित है करेक्टली मैच तो ऑप्शन डी को आप देखोगे व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा और पंजाब के साथ ये संयुक्त परियोजना व्यास नदी पर पोंग डैम पंडोह डैम अगर आपने पढ़ा हो तो ये एक तरीके से ऑप्शन डी राइट होगा इसके अंदर यूपी से ही आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन सी गलत है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच यहाँ पर राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स को लेके क्वेश्चन है और यहाँ पे बात की गई थेवा कला प्रतापगढ़ मीनाकारी जयपुर अजरक प्रिंट सांगानेर टेरा मोलेला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको जानकारी लेनी है तो देखिए तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपने पढ़ा भी होगा क्लास में हमने समझा भी है थेवा कला तो प्रतापगढ़ है मीनाकारी जयपुर है टेरा कोटा मोलेला है ये जो अजरक प्रिंट है वो यहाँ पे रॉन्ग आंसर है देखिए हैंडीक्राफ्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।, है और हैंडीक्राफ्ट से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे जैसा पहला ऑप्शन हम डिस्कस करें थेवा कला तो आप जानते हैं प्रतापगढ़ राज सोनी परिवार थेवा कला आप जानते हैं कि एक तरीके से जो हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन माइन्यूट इलेस्ट्रेशन ऑन माइन्यूट इलेस्ट्रेशन ऑफ गोल्ड ऑन ग्रीन मिरर जो ग्रीन मिरर है उसके ऊपर एक तरीके से गोल्डन इलेस्ट्रेशन करना वो आपका कहलाता है थेवा कला जो प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार से संबंधित है दूसरा मीनाकारी मीनाकारी जयपुर का बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज्वेलरीज होती है उस पर मीना चढ़ाना तीसरा है अजरक प्रिंट ये आपका सांगानेर ऑप्शन नहीं है ये आपका ऑप्शन होगा बाड़मेर बाड़मेर इज द राइट right आंसर बाड़मेर सेंटर है इस अजरक प्रिंट का और टेराकोटा मोलेला टेराकोटा मीन्स होता है जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां होती हैं वो आपके जो मोलेला वाला एरिया है राजसमंद वाला एरिया चित्तौड़ वाला तो वहां पे आपको याद रखना है इसका वहां से ये मैचड है अजरक प्रिंट पे थोड़ा बात करते हैं तो सांगानेर होकर बाड़मेर होगा बेसिकली जो अजरक वर्ड है इट इज़ अ वेरी सिंधी वर्ड और सिंधी वर्ड है और स्टार्टिंग के अंदर जैसे सिंध पाकिस्तान उसके बाद जो अजरकपुर जो कच्छ का ज़िला है वहाँ पर ये नाम चलता आया हुआ है, है। वहाँ की एक बेसिकली प्रिंटिंग थी और बाद में जो हमारा साउथ वेस्ट वाला जो पोर्शन है जैसे बाड़मेर वाला एरिया डिस्ट्रिक्ट से वो वहाँ से इस इससे इम्पेक्टेड है और वहाँ पर ये बाड़मेर अभी राजस्थान के लिहाज से इसका महत्वपूर्ण केंद्र है बेसिकली ये है ब्लॉक प्रिंटिंग इट इज़ फॉर्म ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग आप समझते हैं कि जैसे कोई कपड़ा है जैसे ये कोई फैब्रिक है इस फैब्रिक पर हाथ से किस तरीके से डिजाइन किया जाता है जो हाथ के जो ब्लॉक्स होते हैं उस ब्लॉक के साथ किस तरीके से उसको ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है उसको कहा जाता है ब्लॉक प्रिंटिंग इट इज फॉर्म ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल विद ड्यू रिस्पेक्ट विद कलर्स ऑफ ब्लू एंड रेड ब्लू और रेड कलर के साथ जो प्रिंटिंग की जाती है वो अजरक प्रिंट होती है आपके बाड़मेर की मलिर प्रिंट के बारे में आपको मुझे बताना है कौन सा उसका कलर होता है और इसके अंदर एक बात और कि एक तरीके से इको फ्रेंडली ब्लॉक uh, प्रिंटिंग है जिसके अंदर नेचुरल कलर्स नेचुरल का यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं इससे पहले आप समझिए ये जो आपको इलस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है ये आपका थेवा कला है आप देखिए बेल्जियम ग्रीन मिरर है और उसके ऊपर गोल्डन इलस्ट्रेशन है यहां हिंदी में कहें आ, हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन माइन्यूट इलस्ट्रेशन ऑन ग्रीन मिरर ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ये आप देखिए अजरक प्रिंट की भी इसके अंदर स्लाइड है ये आपका अजरक प्रिंट है ब्लू एंड रेड कलर्स के अंदर और ये जो ऑप्शन के अंदर आपका जो मोलेला था टेराकोटा ये टेराकोटा है आपके लिए ये आपको याद रखना है जो मिट्टी से इसकी जो मूर्तियां बनाई जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज इनकॉम्पिटेबल आर्क्योलॉजिकल साइट ये आपके राजस्थान हिस्ट्री की जो एंशंट सिविलाइजेशन है प्राचीन सभ्यता उससे संबंधित है जरूर पढ़ के जाइएगा एक इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन ये शिवी शिवी जनपद वाला आप जरूर पढ़िएगा मालव जो है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसी के लिहाज से ये जो चार यहाँ पर पुरातात्विक स्थल हैं और इसके जो एक्सकेवेटर है या उत्खनन करता है उसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है और ये मैं चाहता हूँ आप आंसर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर टेन का कौन सा इसके अंदर

जिसे जोधपुर की बात करते हैं तो ये तो मेहरानगढ़ हो ही जाएगा बीकानेर के अंदर जूनागढ़ की बात हो जाएगी अजमेर के अंदर तारागढ़ की बात होगी और जयपुर के अंदर जयगढ़ ठीक है ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ जैसे आप ये फोर्थ देख ही पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है सॉरी नाइन्थ रह गया हम नाइन्थ पे चलते हैं विच इंस्क्रिप्शन ऑन राइटिंग्स ऑफ महाराणा कुंभा वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जगन्नाथ राय प्रशस्ति और राज प्रशस्ति देखिए जब भी आप ये प्रशस्ति अभिलेख इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर तो स्पेशली इनके जो ईयर्स हैं डेट्स है वो जरूर याद रखेगा फोर्टीन सिक्सटी ये हमेशा पूछा जाता है रिसेंटली आर एस के एग्जाम्स के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन आया था ये एक तरफ तो वहाँ पे इनके ईयर्स थे और दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शन थे उसको करेक्टली मैच करना था तो आप जरूर पढ़ेगा इसके ईयर्स और सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के पास ये आती कि बहुत सारे 20 से 20 हैं बीस से बाईस हैं बट इंपॉर्टेंट जितना हमने क्लास के अंदर डिस्कशन किया और जिनके क्वेश्चन बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उन उनपे आप ज्यादा एम्फेसिस कीजिएगा अब हम बात करते हैं यहाँ पर राइट आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति फोर्टीन सिक्सटी ये आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ के अंदर है के अंदर है फोर्टीन सिक्सटी के अंदर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया है दो नाम आपको याद रखना है अत्री और महेश ठीक है इसमें जो महाराणा कुंभा है उसके लेखन का इसके अंदर प्रकाश देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ फॉलोइंग स्कॉलर्स राजपूत ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायरपीट निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है देखिए सबका अलग अलग मत है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में गौरी शंकर ओझा का अलग है चंद्र बरदाई का गोपीनाथ शर्मा ऐसे अलग अलग जो हिस्टोरियन है उनके अलग अलग जो मत है उसके बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई ऐसा कवि चंद्र बरदाई कहते हैं ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच फोक हीरो फेयर इज सिंबल ऑफ कम्युनल हारमोनी किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है ये आपके जो के फोक डेटीज हैं। उसके बारे में बात की जा रही है संबंधित क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और राइट आंसर आप जानते ही रामदेव जी इन सब के बारे में आप जरूर पढ़िए पढ़िएगा कि अलग अलग जो लोकदेवता है उनका मुख्य स्थल कहाँ मुख्य मंदिर कहाँ हैं साथ में इनसेलेटेड जो उनके फीचर्स हैं जैसे किसको कृष्ण का अवतार है कौन सा लक्ष्मण का अवतार है कहाँ पर पीठ की पूजा होती है कहाँ पर नीम से ऐसे जो छोटे छोड़ छोटे इसके टॉपिक्स हैं उसको आपको जरूर पढ़ना है जैसे नेजा क्या है वगैरह वगैरह तो आपको रामदेव जी याद रखना है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है मैच द करेक्ट पेयर्स एंड गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो यहां पर भी बात हो रही है फोक डेटिस की चार फोक डेटिस हैं और इनके जो चार अलग अलग प्लेस हैं लोकेशन मुख्य मंदिर या मुख्य स्थल के बारे में बात की जा रही है देखिए मुख्य मंदिर या मुख्य स्थल का मतलब ये है इंपॉर्टेंट साइट्स इन विच देयर दे हैव टू बी वेरी फेमस इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन एक तरीके से उन्होंने समाधि ली है या उन्होंने वहां पर आराधना की है या पूजा की है लोगों को शिक्षा दी है तो उनका मुख्य स्थल होता है वो वाला एरिया वो वाला रीजन तो यहाँ पर जसनाथ जी की बात हो जाती है तो हम जानते हैं थर्टी सिक्स रूल्स हमने पढ़ा भी है और ये आपका है जसनाथी कतर, कतरिया सर बीकानेर वही फायर डांस अग्नि नृत्य उसके बाद शीतला शीतला जी तो ये आपका चाकसू हो गया जाम्बो जी आप जानते हैं मुकाम विष्णुई और जिन माता रेवासा ये इस तरीके से इसका मैच होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के बाद है फिफ्टीन व्हेन इज द फेमस पुष्कर फेयर ऑफ राजस्थान ऑर्गेनाइज कार्तिक वैशाख चेत्र देखिए कभी भी आप फेयर फेस्टिवल पढ़ रहे हैं जैसा मैंने भी आपको पहले भी बताया उसकी जो मंथ्स जरूर याद रखिएगा जो हिंदी मंथ्स है सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं कह रहा हूँ मैं जो चैत्र वेशाक अश्विन जो कार्तिक इस तरीके के जो मंथ है उसको आपको जरूर याद रखना है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तेजादशमी कब है गोगा नवमी कब है इस तरीके से क्वेश्चन एल से लेकर आर तक के, के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन से जगह पर कौन से मंथ में ये पुष्कर फेयर है ऑर्गेनाइज होता है तो राइट right आंसर इसका हो जाएगा कार्तिक कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर फेयर ऑर्गेनाइज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन के बाद इन विच कॉन्टिनेंट इज द ग्रेट रिफ्ट वैली लोकेटेड एशिया अमेरिका अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इसकी बात की जा रही है ग्रेट रिफ्ट वैली आप जानते हैं कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसके अंदर है कॉन्टिनेंट की बात हो रही है वहां रिवर्स की बात हो रही है तो इसी के लिहाज से ग्रेट रिफ्ट वैली की बात हो रही है चार ऑप्शन है चार कॉन्टिनेंट है आप बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है देखिए जो ग्रेट रिफ्ट वैली है इसमें समझिए आप ये रिफ्ट वैली है क्या फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं कि बेसिकली इस रिफ्ट वैली का मतलब क्या है रिफ्ट वैली का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा लैंड फॉर्म्स है अर्थ की अपर लेयर है अपर क्रस्ट सिंपल वे में समझा रहा हूँ आप समझिए वैसे ज्योग्राफिकल फिनोमिना ये कॉन्सेप्ट है टाइम लगता है आप सिंपल समझिए कि यहां पर ये यह जो अर्थ की क्रेस्ट है तो यहां पर जब आउटवर्ड फोर्स लगता है आउटवर्ड फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर और यहां भी इस डायरेक्शन के अंदर आउटवर्ड फोर्स लग रहा है तो होगा क्या दोनों तरफ इस तरीके से होगा तो यहां पर क्रैक्स हो जाएंगे होंगे कि नहीं होंगे क्रैक्स और ये जो क्रैक्स होगा तो उसके बाद यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है वो सिंक हो जाएगा नीचे की ओर आएगा देखिए सिंपली समझिए आप, मेरे पास, मेरे पास है, है? आप इसको, इसको खींचूंगा इस तरफ से, से तो होगा क्या जो बीच वाला पोर्शन है उसके दोनों साइड से क्रैक्स आ जाएंगे और क्रैक्स आने से ये जो बीच वाला पोर्शन है वो नीचे की ओर सिंक हो जाएगा तो ये आपकी रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली मतलब एक तरीके से यह इसको क्या कह सकते हैं ये डेंस वाला एरिया होता है लैंडफॉर्म जहां पर सिंक हो जाता है उसको कहा जाता है रिफ्ट वैली यानी आप देखिए जैसे इस तरीके से ये लैंडफॉर्म है ये ए वाला पोर्शन है ये बी है और सी इन दोनों पे अगर टेंसाइल फोर्स होते हैं तो बीच वाला जो पोर्शन है वो तो सिंक होके नीचे डाउन हो जाता है इस तरीके से ये रिफ्ट वैली का यहाँ बनना होता है इसी की बात हो रही ग्रेट रिफ्ट वैली रिवर वैली आपने पढ़ा होगा जो रिफ्ट वैली है वो बेसिकली जो टेक्टोनिक फोर्स है उससे बनती है जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं जैसे कॉन्टिनेंटल और ऑशनिक प्लेट्स के अंदर जैसे मूवमेंट होता है उससे एक टेक्टोनिक जो मोशन है वहां से ये रिफ्ट वैली का यहाँ पर बनना होता है और यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली की बात हो रही है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे ये जो इस मैप के अंदर जो इसका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है इस नॉर्थ ईस्ट एरिया से लेके मोजाम्बिक तक की रिफ्ट वैली यहाँ पर है इसके अंदर माउंटेन्स हैं माउंटेन रेंज हैं उसके बाद हैं ये रिवर्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एशिया के अंदर रिफ्ट वैली के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये देखिए आपको इस तरीके से लैंड फॉर्म देखने को मिलेगा रिफ्ट वैली आप देख रहे हैं ये जो पहले कभी आप सोचिए ये जो लैंड फॉर्म है वो पहले एक तरीके से इक्वल हुआ करता था ये जो बीच में जो गैप आ गया इस गैप का बेसिकली टर्म्स है मुझे याद नहीं आ रहा मैं आपको सोचने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे भी रिमाइंड नहीं हो रहा है ये जो एरिया है वो डाउन हो रहा है कभी ये एक यूनिफॉर्म हुआ करता था अब यहाँ पर जितना आउटवर्ड फोर्स लगा टेक्टोनिक एक्टिविटीज से जितना आउटवर्ड फोर्स लगा ये जो बीच वाला सेक्शन जो अभी यहाँ पर ये नीचे की ओर डाउन सिंक है वो कभी यहाँ ऊपर हुआ करता होगा और फिर जब ये दोनों तरफ यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं तो ये बीच वाला एरिया है वो नीचे डाउन शिफ्ट कर जाता है सिंक हो जाता है इसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जैसे आप देखिए इसके अंदर भी एक डायग्राम के आपको समझ में आ रहा है ये जो दो पैरेलल लेयर्स हैं और ये जो बीच के अंदर सिंक हो रहा वाला पोर्शन और ये वाला एरिया कहलाता है आपका रिफ्ट वैली ओके नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज हाइएस्ट लेक इन द वर्ल्ड सुपीरियर सुपीरियर कीटिका का विक्टोरिया एंड बेकाल विश्व की सबसे ऊंची झील निम्नलिखित में से कौन सी है चार ऑप्शन है आप बताएं इसका राइट आंसर देखिए इसके अंदर आपको बात की जा रही है लेक्स के अंदर तो ये लैक्स के अंदर आप देखिए जो यहां पर टीटिका का झील है ये आपका हाईएस्ट कॉमर्शियल नेविगेबल आपकी लेक से है यह आपका टीटिका का इसका राइट आंसर होगा बेकाल आप जानते हैं साइबेरिया रशिया के अंदर सबसे गहरी झील उसके बाद विक्टोरिया और सुपीरियर सुपीरियल तो आप जानते हैं जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है और जो ग्रेट लेक्स है उसका पार्ट है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टीटिका का नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द फर्स्ट सोलर पार्क विल बी पार्क बी एस्टेब्लिश इन राजस्थान तो राइट आंसर दिखते ही दिख रहा है बढ़ला जोधपुर के अंदर सोलर पार्क लगा हुआ है बढ़ला नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन राजस्थान कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण तो भूमिका निभा रही है देखिए फ्रेंड्स हमेशा जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो पोर्शन है जो परंपरागत ऊर्जा के साथ साथ जो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज है उसको आप जरूर पढ़िएगा जैसे सोलर है विंड एनर्जी है उसके बाद जो बायोमास एनर्जी क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए आते हैं पूछा जा सकता है कि मार्च 2022 तक सॉरी मार्च 2023 तक कितना सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड हो गई है कितनी विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड गई है कौन सा रिसेंटली नया प्लांट ये राजस्थान के अंदर लगा है कौन सी कंपनी ने लगा है राजस्थान का कितना शेयर होल्डर है राजस्थान गवर्नमेंट का इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके अंदर आपको थोड़ा करंट पोर्शन भी याद रखना है कितना इंस्टॉल्ड हो गया है और साथ में नए प्लांट्स जो एस्टेब्लिश हुए हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुए हैं बेसिकली अगर सोलर की बात करेंगे तो वेस्टर्न डिवीजन ही होगा जहां पर सोलर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और विंड वाला एरिया भी आप थोड़ा वेस्टर्न के साथ जो सदन वाला एरिया है जैसे प्रतापगढ़ वगैरह उसको भी आपको याद रखना है तो यहाँ पे बात की जा रही है कि महत्वपूर्ण संस्था की बात की जा रही है जो राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन में प्रोत्साहन का कार्य कर रही है तो इसके अंदर आपका आंसर्स हो जाएगा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन 1995 के अंदर ये बनी हुई गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है और ये आपका एक तरीके से इस गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहित कर रही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करंट पोजिशन ऑफ राजस्थान इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया इज राजस्थान भारत में यानी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से क्या स्थान रखता है क्या रैंक रखता है इसका राइट right आंसर क्या होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ आप जानते हैं राजस्थान सोलर स्टेट है मैक्सिमम सोलर इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन यहाँ पर मिलता है जिस कारण से ये देश के अंदर फर्स्ट स्थान रखता है अब आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो विंड एनर्जी के अंदर फर्स्ट रैंक पे ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं बायोमास एनर्जी के बारे में बात हो रही है राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है डेजर्ट एरिया है सन सीट इज अवेलेबल एनिमल इज अवेलेबल मस्टर्ड लैंड इज अवेलेबल तो बायोमास के लिए ऑप्शन हो जाएगा मस्टर्ड लैंड इज अवेलेबल देखिए बायोमास का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक से इस तरीके से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक चीजें होती हैं जिसके कारण से वो फ्यूल बनता है और ऐसा बायोमास है जो आपका मस्टर्ड लैंड है सरसों सरसों की जो भूमि है उस कारण से आपका बायोमास यहाँ पर अवेलेबल है बायोमास संयंत्र भी है आप बता सकते हैं तो बताइएगा राजस्थान में कहाँ पर है नेक्स्ट है बीच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्विक निमखित में से कौन भूकंप के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है कोस्टल प्लेन ओल्ड शील्ड प्लेटू एंड यंग फोल्डेड माउंटेन यानी पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जोग्राफिकल जहाँ पर भूकंप से जो ज्यादा सेंसिटिव है भूकंप से ज्यादा वो संभावित है जहाँ भूकंप आने की संभावना ज्यादा है कोस्टल प्लेन कोस्टल प्लेन मतलब होता है जो तटवर्ती मैदान उसके बाद है ओल्ड शील्ड जो पुरानी जो ओल्ड शील्ड्स हैं प्लेटू पठार और यंग फोल्डेड माउंटेन जो नवीन वलेदार पर्वत यंग फोल्डेड माउंटेन कौन सा ज़्यादा होगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संवेदनशील ही आपके यंग फोल्डेड माउंटेन होंगे जो फोल्डेड माउंटेन फोल्डेड माउंटेन का मतलब होता है जब एक तरीके से जो अर्थ की जो लेयर्स हैं वो या अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो जब एक दूसरे के लिए पुश फॉरवर्ड होती हैं और जहाँ पर एक तरीके से कंप्रेशन से जो यहाँ पर माउंटेन बनता है उसको फोल्ड माउंटेन कहा जाता है जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक नैपकिन है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे जो ये आपको मिल रहा है नैपकिन और इस, इस दिख रहा होगा नैपकिन और यहाँ पर एक तरीके से जब मैं इसको पुश फॉरवर्ड करता हूँ तो ये बीच वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके से व्रैप हो जाता है और यहाँ पर एक माउंटेन जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसी को कहा जाता है आप घर पे भी समझ सकते हैं जैसे आपके पास कोई नेपकिन हो उसको दोनों तरीके से इस तरीके से साथ में ले जाना तो साथ में क्या हो जाएगा मिड वाला पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर व्रैप हो जाएगा तो वही आपका कहलाता है फोल्डन माउंटेन और ये आपके जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है जिससे फोल्डन माउंटेन बनता है और यही भूकंप के लिए ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि जो अर्थवैट के अंदर जो प्लेटे हैं वो एक, तो एक की चलती है। और टकराती है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है विच इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री कौन सा औद्योगिक अपशिष्ट सामान्य निर्माण उद्योग में किया जाता है देखिए आपका पॉल्यूशन वाला चैप्टर भी है एनवायरमेंट वाला सेक्शन भी है तो आपको ये रिसेंटली देखने मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन है फ्लाई एश स्लैच स्लच रेड ऑक्साइड जो फ्लाई ऐश है वो राइट right आंसर होगा फ्लाई एश कंसिडर्ड एज इंडस्ट्रियल वेस्ट ये इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में इसे कंसिडर किया जाता है फ्लाई एश का मतलब होता है कि जो कम्बेशन होता है उसका जो रेजिड्यू कम्बन किसका कोल का उसका जो रेजिड्यू होता है वो फ्लाई एश होता है वो एक तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है आईसीटी के बारे में बात हो रही है किस श्रेणी में निर्वाध नलियों को रजिस्टर्स से बदला था सॉरी ट्रांजिस्टर से बदला था तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी एक सेकेंड का एक लाख करोड़वा भाग है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव वन ट्रिलियन ऑफ सेकेंड इज पी को सेकेंड ऑप्शन सी द डैश द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपी थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो आपके करंट वाला सेक्शन है उससे रिलेटेड है केंद्रीय बजट 2023 हजार तेईस में टैक्स टैक्स लैब कितनी कर दी गई है थोड़ा सा मिस प्रिंट है जो टैक्स लैब है उस टैक्स लैब के बारे में बात कर रहे हैं कितनी राशि अब तक कोई टैक्स नहीं लेगा तो आप जानते हैं अब इसको टैक्स लैब बढ़ा दिया सेवन लैक्स तक ऑप्शन नंबर बी हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि दस लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है देखिए चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान की बहुत प्रीमियम स्वास्थ्य योजना है काफ़ी पॉपुलर है काफ़ी इफेक्टिव है और यहाँ पे अभी पहले दस लाख थे अब दस लाख से बढ़ाकर कर पच्चीस लाख कर दिए तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये ट्वेंटी एट नहीं है इसको पच्चीस कर लीजिए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव लैक्स इसके अंदर राइट आंसर है किस वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का नाम परिवर्तन कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया था तो इसका आंसर क्या होगा 29 का बताइए किस वित्तीय वर्ष के अंदर हुआ था मैक्सिमम स्टूडेंट का आ रहा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए राइट आंसर है 23 सितंबर 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी क्वेश्चन इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान किया जा रहा है देखिए इंदिरा रसोई योजना है वो आपके डीएलबी का जो सिलेबस उसके अंदर यूनिट के अंदर भी दे रखी अलग अलग स्कीम्स उसके अंदर आई थिंक फर्स्ट स्कीम आपकी इंदिरा रसोई योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंदिरा रसोई योजना के बारे में आपको पढ़ना है इसका स्लोगन क्या है कौन सी डेट को लॉन्च की गई है और इसके अंदर कितना अनुदान कितना ग्रांट हो रहा है पर थाली तो आपका इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा सेवनटीन रूपीज इसके अंदर राज्य सरकार द्वारा अनुदान किया जा रहा है नेक्स्ट है अमृत मिशन की अवधि कब से कब तक थी अमृत मिशन भी चला था अटल आपको मैंने कल पूरा इसका नाम भी बताया था ये अमृत मिशन है इसकी अवधि कब से कब तक चली थी 2015 टू 2022 ये यह आंसर होगा 31 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी 2015 टू 2022 नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरुआत में शहरों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कितने दिवस प्रतिवर्ष रोजगार देने की घोषणा की गई है शहरों में रोजगार की बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया और यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने डेज की बात हो रही है तो यहाँ पर बात है आपका ऑप्शन नंबर ए हंड्रेड हंड्रेड डेज की बात हो रही है कि हंड्रेड डेज तक हम अर्बन एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है गांधी जयंती दो अक्टूबर 2014-14 को आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 34 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई चार ऑप्शन है और इसके अंदर इंदिरा गांधी के अंदर ऑप्शन हो जाएगा 6 अगस्त 2021 हज़ार इक्कीस जो सिक्स अगस्त है टू इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का बेसिकली मीनिंग ये भी है मैंने आपको इसका अलग सेक्शन पूरा बनाया स्कीम्स का और जहाँ पर समझाया भी आप उसको ज़रूर उसको पढ़िएगा देखिएगा यूट्यूब चैनल पर ही गवर्नमेंट स्कीम्स डी करके तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की योजना का मतलब ये है कि जो अर्बन एरियाज के अंदर ड्यू टू कोविड पेंडेमिक के बाद आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी क्राइसिस आ गया था तो इट्स स्वरोजगार देने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना मिली थी जिसके अंदर पाँच लाख पर्सनस को व्यक्तियों को पचास तक का जो ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाना है और जहाँ पर उनका जो पर्सनल इनकम फिफ्टीन थाउजेंड से कम होना चाहिए और उनका जो पारिवारिक जो फैमिली इनकम है वो फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनकी स्लैब्स के अंदर यहाँ रखा गया था और ये सिक्स अगस्त ट्वेंटी को यहाँ पर लॉन्च की गई थी अब नेक्स्ट है साइंस टेक से क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब की हुई थी इसरो आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारत का एक प्राइम प्राइमरी और प्रीमियम लॉन्चिंग व्हीकल एजेंसी यानी एक तरीके से स्पेस प्रोग्राम को रेगुलेट करती है और ये आपका है अगस्त ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो हम जानते हैं ये फोटोन नहीं है ये ऑप्शन डी इसका राइट right आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की विच ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द एलिमेंट पोलोनियम तो ये मैडम ऑप्शन नंबर बी 38 है 24 नवंबर 2022 को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम के चौथे दादा साहब फालके आइकन अवार्ड फिल्म से सम्मानित प्रदेश के व्यक्ति कौन से हैं तो इसका नाम हो जाएगा केसी बोकाडिया और आपको कमेंट सेक्शन में इनका डिस्ट्रिक्ट बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी नाइन थर्ड ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस स्थान पर संविधान पार्क कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क का लोकार्पण किया ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है टॉपिक और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राजभवन जयपुर जो राजभवन जयपुर वाला सेक्शन भाग है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था जैसे यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं गवर्नर हैं सीएम साहब और वगैरह और यहाँ पर आप मेन बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको समझने का ये इमेज इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले होती है कि आप थोड़ा सा उसको मेंटली अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाए और यहाँ संविधान पार्क की यहाँ पर बात हो रही है हिंदी में भी लिखा हुआ है संविधान उद्यान ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा तो जो स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है वो जयपुर के अंदर ओपन होगा फ्रेंड so ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर के सेक्शंस भी इसके अंदर रखे गए 10 टू 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के आपको देखने को मिलते हैं बट ओवरऑल मेरा कहना ये है कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है जितनी आपने मेहनत की और हम जानते हैं एज अ फैकल्टी और एज पर प्रीवियस स्टूडेंट की प्रीवियस एज़ पर प्रीवियस स्टूडेंट स्टूडेंट की बहुत मेहनत लगती है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने के लिए तो आपने अपनी पूरी मेहनत शिद्दत से की है और जितने आपने मेहनत की उसका रिवार्ड जरूर मिलेगा बट अभी जो लास्ट पीरियड ऑफ टाइम है इसमें आप अच्छे तरीके से रिविज़न कीजिए क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है और आपने जब स्टार्ट किया उसका रिविज़न नंबर कब आए उस पर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे तो पेपर में आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो आपको सॉल्व करने का टाइम कम लगेगा एक तरीके से जल्दी आप उसको वर्कआउट करके राइट आंसर फाइंड आउट कर लोगे तो कम से कम रिवीजन पे जरूर फोकस कीजिएगा इस टाइम में कुछ नई चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए बट आपसे नहीं हो पा रही उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए अगर आप जबरदस्ती उस पर टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा और इसी कॉन्फिडेंस लेवल कम होने से जो आपकी एफिशियंसी वो कम हो जाएगी और अभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो उससे मतलब नहीं है आपकी एफिशिएंसी रेट कितनी है आप कितने 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 सही सही तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन कम पर कितने सही करते हो वो आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करता है बहुत से स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन करते और नेगेटिव में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो इस नेगेटिव से बचना है और जो गैस वर्क भी करो जहां भी आप अनुमान लगाओ वो ऐसा अनुमान लगाओ जो उसके आस हो ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा आप उसका कुछ और ही जवाब दे रहे हो तो वो एक बेसिकली ब्लडर मिस्टेक है वैसा आपको रिस्क नहीं लेना है जिससे क्या होगा आपके जो आए हुए क्वेश्चन जो सही क्वेश्चन है वो भी आप नेगेटिव में आ जाओगे सो बेस्ट ट्राई कीजिए आपके सपने आपने मेहनत की है आपका पेरेंट्स का भी इसके अंदर ब्लेसिंग है आपके जो भी आप ईश्वर खुदा जिसको भी आप मानते हैं सब हर चीज़ नोटिसेबल है हर चीज़ को अकाउंटेबिलिटी हर चीज़ देखी जा रही है आपकी मेहनत को भी देखा जा रहा है और हम भी देखते हैं आप सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हो तो इसमें आपको ज़रा भी पैनिक नहीं होना है फुल कॉन्फिडेंट रहिए और आप कॉन्फिडेंट रह हंड्रेड परसेंट इस एग्जाम को क्रैक करेंगे ऐसा मेरा मानना है क्योंकि आप सभी बच्चों का रिस्पोंड काफी अच्छा आता है जल्दी से आप समझ जाते हैं जैसे क्लास में और ऑनलाइन में भी हमें देखने को मिल रहा है अलग अलग स्ट्रीम है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सभी के अंदर और तो आपको बेस्ट ट्राई करनी है बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है और कॉन्फिडेंट रहना है जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए जितना रिविजन कर सकते हैं कीजिए जितना आपसे बन पड़ता है उतना अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश कीजिए बाकी सब छोड़ दीजिए देखा जाएगा आगे क्या होगा कि आपकी डेस्टिनी है बट अगर आपने एफर्ट्स सही तरीके से किया है, तो आपको रिवार्ड जरूर मिलेगा इससे कभी भी नकारा नहीं जा सकता सो फ्रेंड्स थैंक्स यहाँ पर फोर्टी क्वेश्चन का ये जो पेपर नंबर थ्री इसको हम कवर करते हैं कंप्लीट करते हैं और बाद में जाके जो पेपर फोर है उसका एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा विद इंपॉर्टेंट फोर्टी क्वेश्चन का सो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक्स